गृह एवं जेल मंत्री का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कोरोना पर जानकारी दी। कोरोना के चलते उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में 51 मरीज आए हैं जिसमें 112 ठीक हुए हैं। अब एक्टिव 536 केस हैं, सैंपल में 28,000 लिए गए हैं और रिकवरी रेट 98.2 है और 6 पुलिसकर्मी संक्रमित है। और द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर कहा कि सभी पुलिसकर्मी फिल्म देख सकें, इसके लिए DGP से उन्हें अवकाश देने को कहा गया है। अब भोपाल से 4 संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं, जिहादी सामग्री और उपकरण मिले हैं, SIT बना रहे हैं और 4 में से 3 ने स्वीकार किया है कि वो बांग्लादेशी हैं। MP में अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ जानकारी दी आई आप। द कश्मीर फाइल पिक्चर के लिए मैंने अभी DGP महोदय को कहा है कि हमारे प्रदेश के समस्त पुलिस कर्मी सुविधा अनुसार जब भी पिक्चर सपरिवार जाना चाहें तो उनको अवकाश वो दें जिससे पुलिस कर्मी इस फिल्म को देख सकें। अपने आप में बहुत अच्छा फिल्मांकन और हमारे भोपाल के ही व्यक्ति की प्रमुख भूमिका उसके अंदर है, इसलिए संपूर्ण प्रदेश के पुलिस कर्मी इस पिक्चर को देखें, उसके लिए छुट्टी का कहा है। 4 संदिग्ध लोग भोपाल में पकड़े गए हैं। अजहर अली उर्फ महमूद, पित्रा अशरफ इस्लाम उम्र 32 वर्ष, मोहम्मद अकील उर्फ अहमद पिता नूर अहमद शेख उम्र 24, जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली पिता शाहिद पठान उम्र 28, फजहर जोनुल आबदीन उर्फ अकरम अल हसन उर्फ हुसैन पिता अब्दुल रहमान, ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी, इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम SIT भी बना रहे हैं, जो SIT गंभीरता से इसकी गहराई में जाएगी और गहराई में जाकर इसके JMB ये 4 में से 3 ने तो स्वीकार कर लिया है कि वो बांग्लादेश के हैं और इसलिए इसके पहलुओं में इसके अंदर तक तह में जाने की आवश्यकता है। इसके लिए SIT का गठन मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। जो अभी संदिग्ध के उसमें किया गया है, होली पर वैसे भी हमारे यहाँ पर अलर्ट मोड पे पुलिस प्रशासन को किया जाता है। अभी मैं जानकारी ले नहीं पाया हूँ, अभी लेके आ